बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे देसी मुर्ग कढ़ाई। इसके लिए हमें चाहिए होगी 1 किलो मुर्गी, इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया था, 1/2 कप दही, 3 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच नमक। सारी चीज़ें मसाले इसमें ऐड करेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको हम 1 घंटे के लिए अब रख देंगे। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। इसके बाद हमें चाहिए होंगे 4 अदद टमाटर, 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज। प्याज को हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई चूल्हे पर रख लिया है। ऑयल डालेंगे, 1/2 कप हमने ऑयल लेना है। इसमें टमाटर शामिल करेंगे, तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। दो मिनट के लिए कवर करना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए, थोड़े सॉफ्ट हुए हैं। ऐसे मैश कर लेते हैं। अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेशन के लिए रखा था। अच्छे से मिक्स करना है। पाँच मिनट के लिए ऐसे ही चम्मच हिलाना है ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 6 से 7, 1 चम्मच लाल मिर्च, मैरिनेशन करते वक्त हमने 1 चम्मच डाली थी। आधा चम्मच नमक, मिक्स करेंगे। आप नमक मिर्च अपनी टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। देखें, अच्छे से मिक्स हो गया।
मीडियम आंच पे इसको हमने भूनना है। पांच मिनट के लिए कवर करना है। जो हमने प्याज फ्राई किया था वो इसमें शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। पांच मिनट के लिए कवर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखें कितने अच्छे से इसकी तरी आ गई है। मज़ीद पाँच मिनट के लिए इसको चम्मच हिला के इसको भूनेंगे। चिकन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। कुछ चिकन होते हैं वो जल्दी सॉफ्ट नहीं होते, पानी ऐड करना पड़ता है। पानी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें पाँच मिनट के लिए चम्मच हिला हिला के इसको हम भुनेंगे, अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देसी मुर्ग कढ़ाई बहुत मज़े का बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स करके बताइए आपका कैसा बना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मीडियम आंच की इसकी बुनाई करनी है, ज़्यादा अच्छे से बनता है। तेज़ आंच पे जल्दी सॉफ्ट नहीं होता। ये लें जी, चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है, देसी मुर्ग की। इसके ऊपर से हम हरी मिर्चें डालेंगे तीन चार। साबुत ज़ीरा, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हरा धनिया, देसी मुर्ग कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।